हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक सायर। इट्स वनीत सायर हियर। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप MIUI 9 में एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बस इसके लिए एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि आपके डिवाइस में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपको एक zip फाइल डाउनलोड करनी है 88.2 वर्जन की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको एक एक्सपोज इंस्टॉलर APK को डाउनलोड करना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों चीज़ों को डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सपोज इंस्टॉलर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद आपको अपने डिवाइस को पावर ऑफ कर देना है। अब आपको रिकवरी मोड में जाने के लिए वॉल्यूम अप बटन एंड पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है। एंड विद इन 5 to 10 सेकेंड आपका डिवाइस कस्टम रिकवरी में बूट हो जाएगा। उसके बाद आपको इंस्टॉल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आपको अपनी डाउनलोडेड फाइल को यहाँ पर सर्च करना है और उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जस्ट आपको राइट साइड को स्वाइप कर देना है और एक्सपोज फ्रेमवर्क फाइल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आपको रीबूट सिस्टम पर टैप कर देना है। अब आपका डिवाइस सक्सेसफुली रीबूट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्सपोज इंस्टॉलर ऐप को ओपन करना है। और यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हैं कि मेरे Redmi Note 4 जो कि MIUI 9 पर रन कर रहा है, उसमें एक्सपोज फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इजीली एक्सपोज मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकता हूँ। अगर आप राइट साइड को स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी आपने मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर रखे हैं वो यहाँ पर आपको मॉड्यूल सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप मॉड्यूल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड सेक्शन में जाके मॉड्यूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, लेकिन सभी मॉड्यूल्स अभी एंड्रॉयड नूगेट पर काम नहीं करते हैं, तो आप इन्हें एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।